हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज से हम क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 26, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 24 और चैप्टर 25 को भी कंप्लीट किया है, सभी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, और वो एक्सरसाइज लिए थे हमने नवनीत के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये आपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ा होगा। जैसे उसका फार्मूला है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें I मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स होता है प्रिंसिपल, R मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मीन्स होता है टाइम। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 26 क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। स्वर्धा डिपॉजिटेड रुपीज 25,000। अब स्वर्धा ने बैंक में पैसे जमा किए। अब क्या होता है कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज 25,000 हो गया, यानी पी की वैल्यू। एट अ रेट ऑफ 8 PCPA, ठीक है, 8 PCPA ये हो गया रेट। रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8 PCPA, PCPA का मतलब हो गया परसेंट पर एनम, एनम मीन्स एक साल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 PCPA का मतलब अगर हम 100 रुपीज बैंक में जमा करते हैं तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हमें 8 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे 108 रुपीज। ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो 108 रुपीज, हमने तो 100 रुपीज जमा किए थे, 8 रुपीज ज्यादा मिल गए कितने साल के बाद, एक साल के बाद। तो इसलिए इसको बोलते हैं 8 PCPA। इसका मतलब 8% पर एनम, परसेंट मीन्स पर 100, हर 100 रुपीज पे 8 रुपीज मिलेंगे कितने टाइम में, पर एनम मीन्स एक साल में, ओके। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने कितने टाइम के लिए जमा किए, फॉर 6 ईयर, यानी टाइम पीरियड, यानी एन की वैल्यू दी है हमें 6 ईयर्स, और हमें बोला है कि हाउ मच अमाउंट विल शी रिसीव आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। पी की वैल्यू कितनी है, 25,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई आर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 PCPA, तो हमें यहाँ पे लिखना है सिर्फ 8, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 6, और अपॉन आ गए 100। अब यहाँ पे देखो 2020 गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह गया, 250 मल्टीप्लाई 8 × 6 होता है 48। अब आप क्या करो, 48 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 48 मल्टीप्लाई 25, 5 8 40 कैरी 4, 5 4 20 और 4 24, 2 8 16 6 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, तो 0 0 और यहाँ पे आ गया 12, तो 1200 आ गया, और इसका एक जीरो इसके सामने लगा दो तो आंसर आ गया 12,000, यानी उसको 6 साल के बाद 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऋतुजा गेव प्रणव रुपीज 2,500 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब ऋतुजा ने 2,500 रुपीज प्रणव को दिए, इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल प्रणव के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल की यानी पी, पी इक्वल टू हो गया रुपीज 2,500। अब फॉर 6 मंथ, 6 मंथ मतलब टाइम पीरियड है 6 मंथ, ठीक है, तो यानी एन की वैल्यू हमें दी है 6 मंथ, ठीक है। आगे देखो, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आर की वैल्यू हो गई 8% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी ईयरली है, और टाइम पीरियड हमें मंथ में दिया है, तो टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट करो। अब जैसे मंथ का कन्वर्शन ईयर में करना है तो हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 6/12 ईयर हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड हाफ ईयर, यानी एन की वैल्यू हो गई अभी 1/2, ओके। अब हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। में वैल्यू पुट अप करेंगे आप, पी एन ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 2,500 मल्टीप्लाई आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8,
मल्टीप्लाई एन मीन्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 1/2 और इसको अपन गया 100 और सी 2020 गेट कैंसर और यहाँ पे देखो 2 से 8 को डिवाइड होता है तो 2 1 2 टू 4 8 यहाँ पे क्या रह गया 25 मल्टीप्लाई यहाँ रह गया 4 और 25 4 जा होता है 100 यानी प्रणव ऋतुजा को 100 रुपीज इंटरेस्ट देगा 6 महीने के बाद। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राहुल गेव रुपीज 15,000 टू संतोष फॉर 3 ईयर्स। तो 15,000 हो गया प्रिंसिपल यानी पी की वैल्यू दी है रुपीज 15,000 और कितने टाइम के लिए दिया है 3 ईयर्स के लिए यानी एन की वैल्यू हो गई 3 ईयर्स। ठीक है आगे देखो, संतोष गेव हिम रुपीज 4,500 एज इंटरेस्ट। तो संतोष ने 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना दिया 4,500 रुपीज यानी आई की वैल्यू हो गई रुपीज 4,500। हमें क्या पूछा है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पीसीपीए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स हमें आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जैसे कि आपको पता है आई का फार्मूला, इंटरेस्ट का फार्मूला है पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। अब इससे और फार्मूले बनते हैं, अभी आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड करना, ये फॉर्मूला है इसको। फिर आपको अगर मान लो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो पी इज इक्वल टू क्या होगा आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई एन। अगर आपको एन फाइंड करना है यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है तो फार्मूला बनेगा आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन और पी मल्टीप्लाई आर। तो आपको क्या करना है जो भी फाइंड करना है पी आर एन में से, पी आर या एन इनमें से जो कुछ भी फाइंड करना है तो वो अगर पी प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आर इंटू एन डिनोमीटर में आएगा, अगर आपको आर फाइंड करना है तो पी इंटू एन डिनोमीटर में आएगा, अगर आपको एन फाइंड करना है तो पी इंटू आर डिनोमीटर में आएगा, न्यूमीटर में आई इंटू 100 रहता ही है। ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे आपको आप R की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें R का फार्मूला यूज करना है। R का फार्मूला क्या है I इंटू 100 अपॉन P इंटू N, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे इंटरेस्ट कितना है 4,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन फिर प्रिंसिपल कितना है 15,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स और यहाँ पे 0 कैंसिल करेंगे 1010 1010 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 कैंसिल तो क्या रह गया 450 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 15 मल्टीप्लाई 3 45 होता है तो 450 अपॉन 45 और 45 वन दा 45 10 तो यहाँ पे R की वैल्यू आ गई 10। ठीक है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रुपीज 5,000 फेच रुपीज 1,350 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद 500 रुपीज पे 1,350 इंटरेस्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल दिया है रुपीज 5,000 ठीक है फिर आई यानी इंटरेस्ट दिया है रुपीज 1,350 और फिर हमें टाइम पीरियड यानी एन की वैल्यू दी है 3 ईयर्स, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आर इज इक्वल टू, जैसे आपको बताया मैंने कि आपके पास पी आर और एन इन तीनों में से किसी को भी फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में आई इंटू 100 आता ही है हर एक केस में। अब देखो आर फाइंड करना है तो आर को छोड़ के पी और एन बचा तो डिनोमीटर में पी इंटू एन करो और वैल्यू पुट अप करेंगे आई कितना है 5,000 आई है 1,350 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है 5,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1010 2 0 गेट कैंसर, यहाँ का 1 0 कैंसर तो रिमेन हियर 135 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 ठीक है। अब क्या करो 5 से इसको डिवाइड कर लो 5 1 5 5 2 10 रिमेन 3 5 5 7 35 तो 27 अपॉन 3 3 1 10। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी इयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सिंपल इंटरेस्ट डबल दैट ऑफ द प्रिंसिपल रुपीज 5,000 एट द रेट ऑफ 4 PCPA। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रिंसिपल दिया है रुपीज 5,000 और इसका डबल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। डबल इंटरेस्ट मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी प्रिंसिपल का डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 × 5,000 हो गया 2 5 10 इसके सामने ये 3 0 लगा दो तो 10,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये बोला है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू दी है 4 PC PA और हमें फाइंड करना है टाइम मीन्स एन की वैल्यू। अब एन का हमारे पास फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू एन का पी का या आर का कोई भी वैल्यू फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में तो रहता है आई इंटू 100 और डिनोमेटर में रहेगा फिर पी इंटू आर। पी आर और एन में से किसी की भी वैल्यू फाइंड करें, जैसे एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी इंटू आर है क्या, ओके। और वैल्यू पुट अप करो, इंटरेस्ट कितना है हमारा 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 5,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4। अब यहाँ पे देखो 1010 1010 गेट कैंसिल, फिर 10 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया इक्वल टू यहाँ पे रह गया 1000 अपॉन डिनोमीटर में रह गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 5 4 20 होता सो ये गेट है 1000 अपॉन 20, 10 फिर से कैंसिल हो गया तो 100 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50, यानी 50 ईयर्स लगेंगे और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5000 के ऊपर 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलने के लिए। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल्स इन 5 ईयर्स बाय द सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होता है प्रिंसिपल डबल हो जाता है कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में, तो ठीक है 5 ईयर्स में डबल्स हो जाता है, प्रिंसिपल डबल्स हो जाना मतलब 2P हो गया, ओके। इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम प्रिंसिपल विल बी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम्स, ये हो गया डबल यानी 2 टाइम्स हो गया, तो इसी को हमें बनाना है 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स बनने के लिए कितना समय लगेगा ये पूछा है, ठीक है। अब 5 साल में कितना हो गया, ये हो गया 5 ईयर्स में डबल्स, फिर अगले 5 ईयर्स में डबल्स हो जाएगा मतलब 10 ईयर्स में 4 टाइम्स हो गया, 10 ईयर्स में कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स यानी 4P हो गया। फिर देखो 5 ईयर्स में डबल होता है, 5 ईयर्स में डबल हो जाता है तो डबल का हाफ यानी सिंगल, सिंगल कितने ईयर में हो जाएगा यानी 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम्स तो 1 टाइम, सिंगल मीन्स 1 टाइम, तो 1 टाइम होने के लिए इसका हाफ ईयर लगेगा यानी 2 एंड हाफ ईयर। अब देखो 4 टाइम्स होने के लिए 10 ईयर लग गए और फिर और 1 टाइम होने के लिए यानी 5 टाइम्स हो गया तो और 1 टाइम होने के लिए 2 एंड हाफ ईयर लगेंगे, तो ये 10 ईयर और 2 एंड हाफ यानी 12 एंड हाफ ईयर लग जाएंगे उस प्रिंसिपल को 5 टाइम्स होने के लिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वरा डिपॉजिटेड ₹20,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 7 PC PA परसेंट पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल शी रिसीव आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें 20,000 जो है वो प्रिंसिपल दिया यानी पी इक्वल टू हो गया ₹20,000, फिर हमें दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर इज इक्वल टू 7 PC PA टाइम पीरियड यानी एन दिया है 5 ईयर्स, हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। अभी वैल्यूज को पुट अप करो, प्रिंसिपल है 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 एन है 5 अपॉन 100, सी है 2020 गेट कैंसिल सो रिमेन ईयर 200 मल्टीप्लाई 7 5 35 करो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो 7 × 5। अब देखो 5 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10 तो एक 2 जीरो लगा दो इंटू 7। अब देखो 7 × 1 = 7 3 जीरो लगा दो तो उसको 7,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनमें से विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेहा'स फादर डिपॉजिटेड ₹10,000 ऑन हर फर्स्ट बर्थडे एट द रेट ऑफ 8 PC PA इन बैंक। तो 10,000 जमा किए इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया ₹10,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8 PC PA अरे आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है 8 PC PA परसेंट पर एनम। आगे क्या बोला है, वॉट अमाउंट विल हर फादर रिसीव ऑन हर 6th birthday, तो 6th birthday पे उसके फादर को कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट बर्थडे से 6th birthday तक पहले टाइम पीरियड कितना था वो फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट बर्थडे को 10,000 रुपीज जमा किए गए, अब जमा करने के बाद तुरंत इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट कब मिलेगा 1 साल के बाद, यानी 2nd birthday को पहली बार इंटरेस्ट मिला ये यानी 1 साल हो गया, फिर 3rd birthday को दूसरी बार इंटरेस्ट मिला यानी ये 2 साल हो गए,
फोर्थ बर्थडे को तीसरी बार इंटरेस्ट मिला, यानी ये हो गए 3 साल। फिर फिफ्थ बर्थडे को चौथी बार इंटरेस्ट मिला, यानी ये हो गए 4 साल। और सिक्स्थ बर्थडे को पांचवी बार इंटरेस्ट मिला, यानी ये हो गए 5 साल। तो 5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, यानी जो टाइम पीरियड है एन की वैल्यू है यहाँ पे हो जाती है 5 ईयर्स। ओके, और अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट। तो हम आई का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। सभी वैल्यूज को पुट करो। प्रिंसिपल है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 इंटू टाइम पीरियड है 5 अपॉन 100। सी हियर 2 0 गेट कैंसल, तो रिमेन हियर 100 मल्टीप्लाई 8 इंटू 5। अब देखो 8 5 40 होता है, 40 इंटू 100, तो 40 के सामने 2 0 लगा दो तो 4,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमें पूछा है कि 6th बर्थडे को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। अब एक और फार्मूला बताता हूँ आपको, जब भी अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 4,000। 10,000 प्लस 4,000 कितना हो जाता है 14,000। तो 6th बर्थडे पे उसके फादर को 14,000 रुपीज मिलेंगे। तो इसमें से विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डीप डिपॉजिटेड ₹2,000 फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8 PC PA। डीप ने क्या किया, डीप के लिए जो प्रिंसिपल है 2,000 रुपीज, ठीक है, कितने साल के लिए जमा किया, 4 ईयर्स के लिए, यानी एन की वैल्यू है 4 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 PC PA, यानी आर की वैल्यू है 8 PC PA। तो ये हो गया दीप का। आगे देखो, पर ये डिपॉजिटेड ₹4,000 फॉर 4 ईयर्स। अब इसके दूसरा एक दिया है कि परी के लिए आप रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपीज। परी ने कितने साल के लिए जमा किए, 4 ईयर्स के लिए, यानी एन की वैल्यू हो गई 4 ईयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 PC PA। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना है 4 PC PA। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द इंटरेस्ट दैट दे विल रिसीव आफ्टर 4 ईयर्स। तो दीप को 4 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे और परी को 4 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, इन दोनों का हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो हमें पता है आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 है। सभी वैल्यूज को पुट अप करो। प्रिंसिपल है 2,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, टाइम पीरियड है 4 अपॉन 100। सी है 2 0 गेट कैंसल, सो रिमेन है 20 इंटू 8 फोर 32। 32 इंटू 2 करो, 64 आया, 1 0 लगा दो तो परी को इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी दीप को इंटरेस्ट मिलेगा 640। ये है दीप का, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि परी को कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर से यही फार्मूला है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। वैल्यूज को पुट अप करो। प्रिंसिपल है 4,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, टाइम पीरियड है 4 ईयर्स अपॉन 100। हियर 2 0 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 40 मल्टीप्लाई 4 4 16, 16 4 64, 1 0 लगा दो 640। अब देखो दोनों को सेम प्रिंसिपल मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है। दीप को 640 रुपीज इंटरेस्ट मिला, परी को भी 640 रुपीज इंटरेस्ट मिला, यानी दोनों को सेम मिला। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो, दीप विल गेट मोर देन परी, नहीं ये गलत है। दीप विल गेट लेस देन परी, नो ये भी गलत है। बोथ विल गेट द सेम इंटरेस्ट, यस बोथ विल गेट द सेम इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। व्हाट इट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स एट 12 PC PA इज ₹5,400। तो यहाँ पे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 5,400 रुपीज दिया है, तो आई की वैल्यू हो गई 5,400 रुपीज। फिर हमें दिया है टाइम पीरियड, यानी एन की वैल्यू है 3 ईयर्स। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर दिया है 12 PC PA, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। अब हमें मालूम है कि आर का फॉर्मूला हमारे पास है पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। अब इसमें जब भी हमें पी का आर का या एन का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ता है, कैसे करते हैं, पी इज इक्वल टू आई को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन आर इंटू एन, ये बन जाता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट अप करो, इंटरेस्ट कितना है 5,400 मल्टीप्लाइड बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 मल्टीप्लाइड टाइम पीरियड है 3। तो वी गेट हियर, नाउ देखो यहाँ पे 3 से 54 को डिवाइड होता है, सो वी गेट हियर 3 1 3 3 18 है ना, तो
तो क्या रह गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, ये 18 और ये दो जीरो लगा दो, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन हो गया यहाँ पे 12। अब देखो 12 और 100 में 4 से डिवाइड होता है, तो 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, सो वी गेट हियर 1800 मल्टीप्लाइड 25 अपॉन 3, 3 से अब 18 को डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यहाँ 6 से दो जीरो सामने लगा दो मल्टीप्लाइड बाय 25, और 25 6 जा 150 होता है, ठीक है, उसके सामने दो जीरो लगा दो, आंसर आ गया 15,000। तो जो प्रिंसिपल है वो है 15,000, सो विच आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एट अ रेट ऑफ 8 PCPA, रेट मतलब ये होगी आर की वैल्यू, सो आर इज इक्वल टू 8 PCPA, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स ये हो गया टाइम पीरियड, एंड एन इज इक्वल टू हो गया 3 इयर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 500, और प्रिंसिपल की दी हमें रुपीज 500, हमें सिर्फ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आई का फॉर्मूला यूज करेंगे, I is equal to P into R into N upon 100, वैल्यू को पुट अप करो, प्रिंसिपल है 500 into रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, टाइम पीरियड है 3 upon 100, सी या 20 गेट कैंसिल, सो रिमेन 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, 5 8 जा 40, 40 into 3, 4 3 जा 12, एक जीरो लगा दो, तो 120 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रोहित रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2520 एट द रेट ऑफ 7 PCPA आफ्टर 3 इयर्स, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है वो दिया है, यानी आई की वैल्यू दिया है, आई इक्वल टू दिया है रुपीज 2520, फिर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, आर इज इक्वल टू दिया है 7 PCPA, और टाइम पीरियड यानी एन इज इक्वल टू दिया है 3 इयर्स, ठीक है, क्या पूछा आगे, फाइंड आउट द प्रिंसिपल फॉर विच ही रिसीव्ड दिस इंटरेस्ट, तो हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है, अब इसके लिए हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राहुल लेंडेड रुपीज 15,000 टू सुभाष फॉर 3 इयर्स, तो राहुल ने 3 साल के लिए सुभाष को 15,000 रुपीज दिए, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया रुपीज 15,000, आगे और टाइम पीरियड यानी एन हो गया 3 इयर्स, इफ सुभाष गिव राहुल एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,500, यानी इंटरेस्ट यानी आय कितना है रुपीज 4,500 रुपीज सुभाष ने राहुल को इंटरेस्ट दिया 3 साल के बाद, देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पीसीपी, यानी हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी राइट हियर आर इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू एन, वैल्यूज पुट अप करो, आई की वैल्यू है 4,500 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड है 3, सो सी हियर नाउ 2020 गेट कैंसिल, 1010 गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर 450 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 3, अब देखो 15 3 जा 45 होता है, सो वी गेट हियर 450 अपॉन 45, 45 1 जा, सो रिमेन हियर 10, इसका आंसर हो गया 10%, सो व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जब भी आप एग्जाम में ये सब सॉल्व करोगे इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये से पता चलेगा ये प्रिंसिपल है, ये टाइम पीरियड है, ये रेट ऑफ, ये इंटरेस्ट जो फाइंड करना उसका फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट, इस तरह से वैल्यू पुट अप करना और कैलकुलेट करना, गॉट इट।